चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले काम करेंगे, अभी जितना भी काम अभी होगा वो तो चलो होगा ही, आप अपने फाइनल एग्ज़ाम के बाद एक काम कर लेना। मैं भी मार्च में वो एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखूँगा, एडवांस लेवल के हर चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं टेस्ट प्रिपेयर करूँगा। ठीक, ऑनलाइन होएगा वो, आने की ज़रूरत नहीं है। मार्च में जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहीं से मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या फ़ोन करके, यहीं से बनवाना होता है वो। तो आप उसको मल्टीपल टाइप या जो भी क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो उसकी जो टेस्टिंग होगी वो ऑनलाइन आप एक बार एवेल्यूएट करना, उसके सोल्यूशन साथ में ही होंगे। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है उसके सोल्यूशन साथ आते हैं, तो उसको फिर ऑनलाइन ही करेंगे सारा। ठीक है ना, मेरे पास 15 दिन होंगे तो मैं आराम से, बने हुए हैं पर फुल सिलेबस बने हुए हैं मेरे पास, चैप्टर टेस्ट हैं पूरे सिलेबस के हैं। उसकी बजाय मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद कुछ कुछ क्वेश्चन खुद ट्राई करें। ठीक है ना, सो इसमें जो नेक्स्ट जो लास्ट टाइम हमने किया था, शीट नंबर ये चल रही थी क्या? ओके, 128 होगी फिर, ये चल रही थी, अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 128 से ही कंटिन्यू करेंगे। शीट नंबर 128, ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने कहाँ तक किया था, ये सब कर लिया था, लेक वाला ये क्वेश्चन किया था हमने, ये भी कर लिया था, ये भी शायद हो गया था। यहाँ से करना है क्या? ये करना है, ये करना है, नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट, ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ओके, प्लीज रीड करो एक बार। सो कॉम्पोजिट स्लैब, एक स्लैब है और इस तरीके से अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है, 2K, 3K, 6K, 5K, 4K, ये भी स्लैब है प्लीज़। ये वाइट का मतलब ये ऐसा लग रहा है अंदर से खाली है, पर ये भी कोई मटेरियल की बनी हुई है, पूरा सॉलिड है, कॉम्पोजिट है, और इसमें ABCDE डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी, डिफरेंट साइज है। ऑल स्लैब्स आर ऑफ सेम विड्थ, हीट क्यू फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू दी ब्लॉक्स। तो आपको ये बताना है स्टेडी स्टेट में क्या होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको शुरू करने से पहले हीट यहाँ से यहाँ जाएगी, ये समझ में आता है, ये समझ में आता है कि ये तीन, एक दो और तीन किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। जो हीट पर सेकेंड यहाँ पे जाएगी वो तीनों में स्प्लिट हो जाएगी और फिर इकट्ठी इसमें हो जाएगी। तो इसका मतलब ये और ये सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि हीट फ्लोइंग हीट करंट की वैल्यू दोनों में सेम है और बीच में स्प्लिट हो जाएगा। तो हम इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की बजाय हम क्या करते हैं कि ये जो स्लैब है इसके अंदर ए और ई सीरीज में मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है। तो ए ऑप्शन चेक करो क्या है, इसमें मैंने क्या लिखा है, ए ऑप्शन है द हीट फ्लोइंग ए एंड ई में सेम है, राइट, ये सही है, एक आंसर तो इजी आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब डी मान लो विड्थ ऑफ द स्लैब है, विड्थ क्यों ली, पीछे की तरफ एरिया लेना है, ये ऐसे नहीं है शीट नहीं है, ये स्लैब है, स्लैब समझते हो, पीछे इसकी चौड़ाई भी होगी। तो ऑब्वियसली हीट किसी एरिया में से एंटर करेगी, आपको सिर्फ ये वाली लेंथ लेंथ ही दिख रही है, ये वाली लेंथ, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, पीछे का नहीं दिख रहा। तो इमेजिन करना पड़ेगा कि पीछे का भी कोई पोर्शन है, और मान लो सभी स्लैब की पीछे से दिखने की विड्थ कितनी है, डी है। तो इस तरफ से इसकी लेंथ क्या क्या दिखाई दे रही है आपको, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ जैसे सपोज करो डी अगर विड्थ है तो ए पोर्शन, ए स्लैब लेते हैं, ए स्लैब का एरिया क्या होगा, इसकी हाइट कितनी है, 4L है, 1 से 4L है, 4L हाइट है, और पीछे की तरफ विड्थ कितनी है, डी। तो एरिया क्या बनेगा, 4L इंटू डी। तो आप चेक कर सकते हो एरिया की जगह 4L इंटू डी,
और थर्मल कंडक्टिविटी इसमें 2K और लेंथ इसमें L क्यों कंसिडर की, क्योंकि हीट कितने पोर्शन में से फ्लो कर रही है। एरिया के केस में ये पूरा लेंगे 4L इंटू डी, लेकिन हीट कैसे जा रही है टूवर्ड राइट जा रही है, और राइट पोर्शन में कितनी हीट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है L। वो थर्मल कंडक्टिविटी वॉल्यूम कब लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी में हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई डी। तो ये शीट है, जैसे ये ए स्लैब है, बस ए है, मैंने बाहर निकाल ली है लो। अब हीट इस फेस से जा रही है अंदर, तो ये डी है, ये 4L है, तो हीट कितने एरिया में से गई, 4L इंटू डी, राइट। कितनी लेंथ कवर कर दी अंदर की तरफ, L। तो समझ में आया, लेंथ की जगह L, एरिया की जगह 4L इंटू डी। चलो फिर B के लिए करते हैं। B में लेंथ कितनी कवर कर रही है हीट, यहां से यहां तक 5L माइनस 1L इज 4L, तो लेंथ कितनी कवर कर गई 4L। एरिया देखें, एरिया में ये कितना डिस्टेंस है L, देखो ये स्लैब है, ये कितना दिख रहा है आपको L, और ये कितना दिख रहा है आपको D, तो एरिया क्या बनेगा L इंटू डी। तो पॉइंट समझ में आया यहाँ तक। ऐसे C का देख लेते हैं एक मिनट के लिए। जो C है ये हाइट, क्योंकि जो लेंथ कवर हो रही है C के केस में वो भी एग्जैक्टली कितनी है 4L है, पर C जो है यहां से लेके यहां तक 3L में से 1L गया तो आ गया 2L, 2L इंटू डी क्या हो गया 2L इंटू डी, कितना हो गया C का एरिया हो गया। फिर आ गया D, D के केस में लेंथ कितनी कवर हो रही है वही C, B और D का तो सेम ही चलेगा। तो पहले ये काम करना जरूरी है तभी आगे बात बनेगी। फिर इसमें L तीनों में सब में कॉमन ही तो है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो L को दो मिनट के लिए हटा के रेजिस्टेंस जहां यूज होनी है, क्योंकि L हर जगह कट जाएगा, नहीं तो रख लो क्या फर्क पड़ता है, L रख भी लोगे तो क्या ही फर्क है। तो आपके पास ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज आ जाएंगी, L रख भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी डी ई क्लियर हो गया। अभी अभी क्या डिस्कस किया हमने, बी सी और डी किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कैसे ऐड होती हैं, 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये पुट किया, ये पुट करके यहां पुट किया, तो ये रेजिस्टेंस आ गई किसकी, बीच वाले पोर्शन की। अब कुल मिला के आपको तीन रेजिस्टेंसेस दिखेंगी, एक ए की, एक एंड की ई की, और एक बीच की। अब अगर आप इन रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करें, आपके पास पांच ऊपर पड़ी हैं कॉम्बिनेशन की, ये आ गई, कंपेयर करेंगे तो ई की रेजिस्टेंस क्या है सबसे कम है। तो अगर ई की रेजिस्टेंस सबसे कम है तो ऑप्शन मार्क करो, इसमें शायद ये भी ऑप्शन में कुछ गिवन होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस किसकी है कोई ऑप्शन ऐसा होगा, मार्क कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे मार्किंग होगी। नेक्स्ट है, अब रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली क्या होता है, ओम्स लॉ अगर हम याद करें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाय आई होता था, वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी बाय आई। यहां वी नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं टेम्परेचर डिफरेंस, और रेजिस्टेंस नहीं थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन करंट, यहां पर कौन सा करंट, हीट करंट। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ई में जो एंड में और इन तीनों बीच वाले तीन की जगह एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं तो ये वैल्यू आई थी। ये तीनों के किसमें होंगे, सीरीज में, क्योंकि हीट तो तीनों में एग्जैक्टली सेम जाने वाली है कॉम्बिनेशन में, और अगर सीरीज में है तो हीट करंट क्या होगा सेम। तो जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसका टेम्परेचर डिफरेंस भी इसका मतलब सबसे कम होने वाला है, ठीक। तो आपको ये ऑप्शन में फिर बताना है कि टेम्परेचर डिफरेंस किसका मिनिमम है, तो जिसकी रेजिस्टेंस मिनिमम है उसका टेम्परेचर डिफरेंस भी मिनिमम है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस ई की मिनिमम है, टेम्परेचर डिफरेंस भी ई का ही मिनिमम है। पॉइंट समझ आया क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। और उसी तरीके से अगर आप बी और डी की बात करते हो, ये बी और डी स्लैब है, ऊपर आ जाते हैं बी और डी, एक ऊपर वाली स्लैब है और एक सबसे नीचे वाली स्लैब है, ये किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में। पैरेलल में क्या चीज सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं टेम्परेचर डिफरेंस, पैरेलल के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा सेम। तो अब आप चेक कर सकते हो नेक्स्ट पार्ट के लिए कि बी और डी में ही क्यू का मतलब है करंट, हीट करंट, हीट करंट का मतलब है ओम लॉ से अगेन टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो बी में हीट करंट आ गया, डी में हीट करंट आ गया, रेजिस्टेंस हमें मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो आपके पास टोटल हीट का करंट इतना आ गया एलसीएम लेके। अब वो कह रहे सी के अंदर हीट करंट क्या होगा, सी का टेम्परेचर डिफरेंस ऑब्वियसली क्योंकि बी सी डी तीनों पैरेलल में ही है तो टेम्परेचर डिफरेंस इसमें भी सेम रहेगा डेल्टा टी, और डिवाइडेड बाय सी की रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम आ गया, डी ऑप्शन आ गया। वो कह रहे हैं हीट करंट क्या इन दोनों में सेम है, तो हीट करंट राइट सेम है, तो किसमें किसमें बी और डी में और सी में, ऑप्शन मार्क करो डी ऑप्शन, देखो रीड करो क्या है।
ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडन व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज मेड ऑफ टू सेमी सर्कुलर पार्ट्स। तो एक रिंग है, दो सेमी सर्कुलर पार्ट्स हैं, एक ये रहा दिख रहे। अब वो कह रहे हैं इस केस में द टू पार्ट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ रिंग मेड अप ऑफ मेटल स्ट्रिप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एस। तो इसको ना लपेट दिया गया रिंग के अंदर। अब ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ है, एल इज स्लाइटली लेस देन 2πr। अब हमें क्या प्रॉब्लम थी कि हमें इसको लपेटना है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिंग छोटी है 2πr से, तो कैसे उसके ऊपर चढ़ाओगे, उसको एकदम बड़ा करना पड़ेगा, रबर बैंड की तरह डिब्बे पर चढ़ाना है, बड़ा करके फिर वो अपने ऑटोमेटिकली छोटा हो जाए, हम ये चाहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, टू फिट द रिंग ऑन द व्हील, किसी ने दिमाग लगाया, इट इज हीटेड, रिंग को गर्म कर दिया ताकि वो एक्सपैंड हो जाए, ठंडी होगी अपने आप, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी अपने आप, टाइट हो जाएगी। सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेज बाई डेल्टा टी एंड इट जस्ट स्वीप्स ओवर द व्हील, व्हील के ऊपर चढ़ गई रिंग। एज इट कूल्स डाउन टू सराउंडिंग टेम्परेचर इट प्रेसेस सेमी सर्कुलर पार्ट टूगेदर, जोड़ दिया उसे। अच्छा तरीका है, एल्फा इज कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वाई इज यंग्स मॉडुलस, फोर्स दैट वन पार्ट ऑफ द व्हील अप्लाइज ऑन द अनदर। तो एक पार्ट ने दूसरे पार्ट पे कितनी फोर्स अप्लाई की, ये क्वेश्चन है, ये आपको सोचना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज इसमें एल्फा तो यूज होना ही है, ये तो बात पक्की है, तो लीनियर एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना, तो डेल्टा एल इसमें चाहिए ही होगा हमें। अगर ओरिजिनल लेंथ उसने एल दी और आपने हीट किया तो डेल्टा एल का फॉर्मूला तो सीधा यूज किया ही जा सकता है, एल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, डन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब जो फोर्स है, एक पार्ट, एक रिंग का एक हिस्सा लें, क्योंकि जुड़ी नहीं हुई ना, अंदर वाला जो व्हील है वो जुड़ा थोड़ा ना, वह रिंग ने जोड़ना है उसे, कैसे जोड़ना है, टाइट करके जोड़ना है। तो रिंग ने क्या लगानी है उस पोर्शन पे, टेंशन, रिंग में टेंशन है जो उसको जोड़ेगी। और रिंग का अगर आप एक पार्ट लो तो टेंशन टेंजेंशियल होती है इसके अक्रॉस, क्योंकि व्हील तो बीच में ऐसे है ना, तो टेंशन टी एन टी हो जाएगी, एक टेंशन क्यों लेंगे, इधर से भी और इधर से भी है। तो जो फोर्स लगेगी, जो अंदर से व्हील के ऊपर फोर्स लगेगी, वो एफ लगेगी। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि व्हील का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे कितनी फोर्स लगा रहा है। वो खुद कैसे लगा रहा है, व्हील का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फोर्स नहीं लगा सकता, तो जबरदस्ती आपने प्रेस किया, राइट, आपने प्रेस किया, उसमें टेंशन आई, वो टेंशन ही एग्जैक्टली सारा काम कर रही है। तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि आधे हिस्से ने दूसरे आधे हिस्से पे कितनी फोर्स लगाई। तो ऑब्वियसली आप इमेजिन करो कि आप उसको लपेट रहे हो, आधे हिस्से को आप ऐसे खींच रहे हो और नीचे आधे हिस्से को आप ऐसे खींच रहे हो, तो इमेजिन करो आपने रस्सी से पकड़ के उसको ऐसे खींच दिया, तो उस केस में जो फोर्स लगेगी वो टी नहीं लगेगी, वो दोनों तरफ से टूटी लगेगी, याद रखना है बस और कुछ नहीं है इसमें, पर टूटी लगाया। और जो स्ट्रेस होता है, फोर्स बाय एरिया, टेंशन बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का एस गिवन है, सिग्मा स्ट्रेस है, स्ट्रेस वाई क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना है, डेल्टा एल बाय एल, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, डेल्टा एल बाय एल यहाँ से निकाल के पुट किया जा सकता है, यहाँ पे यहाँ से सॉल्व करके एस को मल्टीप्लाई करके टी आ गया, और फोर्स क्या आएगी, टू टाइम टेंशन, यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस मेन चीज है इसमें टूटी लेना है, टी लेना है ऐसे प्रॉब्लम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना,
थ्री वेरी लार्ज प्लेट्स ऑफ सेम एरिया आर कैप पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर. दे आर कंसिडर्ड एज एन आइडल ब्लैक सर्फेसिस एंड हैव वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी. सो ब्लैक बॉडीज की तरह काम कर रही हैं. दी फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट्स आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 2T एंड 3T. तो एक 2T और 3T डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है इसमें. और द टेम्परेचर ऑफ द मिडल दैट इज सेकेंड प्लेट अंडर स्टडी कंडीशन इज इक्वल टू वॉट. तो इस केस में स्टडी कंडीशन क्या होगा? तो ऑब्वियसली स्टडी कंडीशन के अंदर इसमें लॉजिक लगेगा क्या, मतलब क्या ये क्या किया, क्या हुआ है, हीट रेडिएटेड, किसने हीट रेडिएट की है? ऑब्वियसली 2T और 3T ने. देखो उसने कहा 2T और 3T का टेम्परेचर मेंटेन्ड है और नो डाउट तीसरी प्लेट का भी मेंटेन्ड है ऑब्वियसली. फिर तो मतलब तीसरी प्लेट को हीट का जो हीट दी या जो तीसरी प्लेट का टेम्परेचर टी डैश आया वो मैंने थोड़ा किया. मैं क्या मेंटेन कर रहा हूँ? मैं तो ये मेंटेन कर रहा हूँ बाई सम इलेक्ट्रिक पावर. वो हीटर हूटर लगाया होगा मैंने, ये मैंने मेंटेन किया. अब इसकी पूरी गर्मी किसको मिल रही है? बीच वाली प्लेट को मिल रही है और उसका टेम्परेचर टी डैश कर लेना है. तो इस इन दोनों ने मिलकर हीट जनरेट कितनी की या हीट रेडिएट कितनी की ऐसे बोलना चाहिए. स्टीफन लॉ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिडर करते हुए स्टीफन लॉ, ये हीट गई. और हीट लेने का तरीका प्रीवियस थ्योरी ये बोलती है हीट लेने का तरीका भी एग्जैक्टली इतना ही रहेगा. एरिया आपको इसमें आप देख लेना ए ए और ट्वाइस एरिया गिवन होगा इसमें. टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड, टेम्परेचर निकाल लेना यहाँ से. ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ इसमें मुझे देना चाहिए, करेगी. बट पॉइंट ये भी है कि आप ये कह रहे हो कि वो आधी हीट इधर से इधर चली जाएगी. मैं ये नहीं मान सकता ना एक कमरे के अंदर कर दिया, कमरे में तो पता नहीं पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी. तो एक क्लोज्ड कोई कंटेनर होगा, मेंशन नहीं किया वैसे इसने कुछ ऐसा मेंशन किया कैप पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर. क्लोज ही बोल दिया उसने वैसे, काफ़ी पास है. एज्यूमिंग यार ये तो एज्यूम करना पड़ेगा कि सारी हीट इसको ही मिलेगी. मैं तो हिंट देता कि कुछ इतने परसेंट लॉस हो गई, सराउंडिंग में चली गई, ये चला गया, वो चला गया, फिर इतना कुछ मेंशन होता नहीं. मेंशन तो ऐसे ही करना पड़ेगा. क्लोज है तो बहुत पास है, इसका मतलब बीच में फंसा दी. करेगी नहीं बीच वाली प्लेट. नहीं नहीं एक्चुअली क्या हो रहा है, वो कह रहा है मैंने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया. ठीक है वो रेडिएट नहीं कर रही, वो तो उसका तो कुछ टेम्परेचर था ही नहीं बेसिकली, वो तो ऐसी आई थी. वो तो पड़ोस की प्लेट से हीट ले रही है पर सेकेंड, फिर अपना टेम्परेचर मेंटेन किए हुए है. वो अगली कहानी नहीं बता रहा कि वो पहले गर्म होगी वो भी तो हीट रिलीज करेगी उसके, वो नहीं कर रहा. वो तो कह रहा है बस एक स्टेडी स्टेट मेंटेन किया हुआ है. तो मतलब बीच की प्लेट इन दोनों से हीट को लेती जा रही है और अपना टेम्परेचर मेंटेन किए हुए दैट सेट. हाँ फिर आगे बहुत सारी कंडीशंस है ना. फिर ऐसे तो मैं आपसे क्वेश्चन कह देता हूँ, ये अगर मान लो रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट होगा तो पूरी की पूरी हीट तो ट्रांसफर वैसे भी होने वाली है नहीं ना रेडिएशन की फॉर्म में. जो ए प्लेट है वो मिडिल प्लेट पर सारी हीट कैसे फेंकेगी? कुछ तो उधर भी चली जाएगी सराउंडिंग में. किस में? हाँ वो मैं अच्छा ओके. देखो इसके अंदर उसमें तो 2A लगेगा ना बीच वाली प्लेट में. हाँ तो दोनों तरफ से ले रही है वो. अच्छा नहीं ये पूछ रही है 2A क्यों लिया. वो इसलिए लिया क्योंकि वो इधर से भी ले रही है और इधर से भी ले रही है. वो सिंपल लॉजिक है. मैं सोच रहा हूँ आप ये पूछ रहे हो कि ये कुछ हीट रेडिएट भी तो करेगी दोनों तरफ से, वो निग्लेक्ट किया है. बस ये ले रही है साथ के साथ एमिट नहीं कर रही. ठीक है ना, देने वाली प्लेट्स एक एरिया से दे रही हैं ए और ए, और लेने वाला 2A से ले रहे हैं. तो ये क्वेश्चन, फिगर शोज वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट. सी का ग्राफ है टेम्परेचर टी के साथ, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड कॉन्टिन्यूसली, 0 से 500 केल्विन तक टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है एट अ कॉन्स्टेंट रेट.
इग्नोरिंग एनी वॉल्यूम चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ये ग्राफ देखते हुए आपको आंसर देना है. पहले 0 और 100 केल्विन के बीच में ये इसका लीनियर ग्राफ है कि नहीं ये आपको बताना है. तो ए स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर ग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है मैंने. वो लग नहीं रहा, वो लग रहा है, ग्राफ स्केल के हिसाब से बना होगा जिसने बनाया है. तो वो अप्रॉक्सीमेटली है कि 0 और 100 के बीच में ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन. जब चला था स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इट इज़ प्रोपोर्शनल. तो मतलब ये अंदाजे से ही है. ठीक, मेरे ख्याल से वहाँ का ग्राफ स्केल पर बना होगा एकदम सही, थोड़ा बेटर दिखेगा. फिर नेक्स्ट है हीट एब्जॉर्ब्ड इन रेंज 0 से 100 केल्विन इज लेस देन द हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बिटवीन 400 से 500 केल्विन. अब देखो सबसे कमाल की बात यह है कि नॉर्मली अगर एक बॉडी है जिसकी स्पेसिफिक हीट सी कांस्टेंट है तो दोनों में इंक्रीज इन टेम्परेचर तो 100 केल्विन का ही है ना. तो एमसी डेल्टा टी से सी अगर कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी सेम होगा, मास सेम होगा, तो हीट एब्जॉर्ब तो सेम होगी, पर इसमें सी इज चेंजिंग. तो ऑब्वियसली आंसर सेम नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी की स्पेसिफिक हीट ही आप चेंज कर रहे हो. तो 400 और 500 केल्विन के बीच में ग्राफ को देखो, 0 और 100 केल्विन के बीच में ग्राफ को अगर देखो तो एरिया जो है 0 और 100 केल्विन का लेस है एज कंपेयर टू एरिया 400 और 500 का. उसका रीजन अब एरिया से क्या लेना देना है, एरिया से ये लेना देना है, एरिया आपको क्या देगा, सी इंटू डेल्टा टी. ठीक है ना, सी इंटू डेल्टा टी. तो मैंने लिखा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी और इसमें सी डेल्टा टी क्या होगा, क्यू बाय मास, यानी कि हीट पर यूनिट मास. तो हीट पर यूनिट मास किस पे डिपेंड करेगा, सी इंटू डेल्टा टी के ऊपर. अब इसके अंदर वो कह रहा है कि एरिया किसका ज्यादा है, तो एरिया ऑब्वियसली सी इंटू डेल्टा टी किसका ज्यादा है, 400 और 500 का एरिया ज्यादा आ रहा है, 100 और 0 से 100 का तो नीचे का कम आ रहा है. तो जिसका एरिया ज्यादा आएगा तो उस केस में क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. चेक कर लो कि दोनों में हीट एब्जॉर्ब तो सेम होगी नहीं, तो इस केस में जिसका एरिया ज्यादा होगा वो हीट एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगा क्योंकि हीट पर यूनिट मास उसकी इंक्रीज हो जाएगी. तो आप इसमें देख सकते हो बी ऑप्शन, हीट एब्जॉर्ब्ड 0 और 100 केल्विन में कम आएगी क्योंकि उसका एरिया कम है. कई लोग बोलेंगे सर सी की वैल्यू उसमें कम है, सी कम है उसमें, सी ज्यादा है, सीधा भी बोल सकते हो सी ज्यादा है सी कम है. स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो हीट एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, स्पेसिफिक हीट कम है तो हीट एब्जॉर्ब कम करेगा. नेक्स्ट है सी ऑप्शन, देर इज नो चेंज इन रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन रेंज 400 से 500. सही है, 400 और 500 के बीच में अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट है वो ग्राफ, एकदम कांस्टेंट की तरफ चला जाता है. और कांस्टेंट जाता है तो सी कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिस्कस क्या करना है, फिर तो रेट कांस्टेंट ही हो गया, मैथमेटिकली करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उस केस में सी इज अ कांस्टेंट. ठीक, तो और लास्ट है द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज 200 और 300 के बीच में, क्या ये करेक्ट है, ऐसा क्यों, क्योंकि सी बढ़ रहा है, सी बढ़ रहा है. तो इस केस में बिकॉज टेम्परेचर में सी इज इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, तो जहां जहां सी बढ़ेगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वहां पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बात खत्म. इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, दिख ही रहा है सी जहां बढ़ रहा है वहां हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, जहां सी कांस्टेंट है हीट एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है. ठीक, तो इस शीट को करते हैं क्लोज. 1 to 8 को जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो 1 to 9 शीट को ओपन करेंगे, 100A 129 का प्रिंटआउट लेंगे. सो पहला क्वेश्चन है इसी साल का 2018 का ही है ये. गैसेस enclosed in a cylinder with a movable piston, its initial thermodynamic state at pressure Pi is given and Vi is given, changes to the final state at Pf given and Vf given, Pi, Vi, Pf, Vf given in an adiabatic quasi-static process. ये एक बार हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, तो adiabatic process है. Such that P raised to power 3, V raised to power 5 is a constant. ये एक नई सी क्वेश्चन दे दी उसने, कुछ फीलिंग्स आती है, एडियाबैटिक हो सकते हैं, पॉलीट्रॉपिक, दो चीजें हो सकती हैं इसमें, या तो एडियाबैटिक में जाएगा या पॉलीट्रॉपिक में जाएगा. मिल गया तो मिल गया गामा, नहीं मिला तो फिर ठीक है, फिर पॉलीट्रॉपिक करेंगे. कंसिडर अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट ब्रिंग द सिस्टम फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट इन टू स्टेप्स, एक आइसोबारिक एक्सपेंशन एट Pi फॉलोड बाई आइसोकोरिक प्रोसेस एट वॉल्यूम Vf. द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन टू स्टेप प्रोसेस इज अप्रोक्सीमेटली. दोबारा पढ़ लो प्लीज एक बार क्वेश्चन, दो बार ये प्रोसेस हो रहा है बेसिकली.
ओके तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है? देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि आपको ना वो ए से लेके बी तक दो रास्ते हैं जाने के। पहला ये रहा, कहते एडियाबेटिक लगाओ काम खत्म करो। दूसरा यहीं से यहीं जाने के लिए एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखो, उसने बोला आइसोबारिक एक्सपेंशन रखो और फिर आइसोकोरिक करो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, तो भी आप यहां तक पहुंच सकते हो। आप किसी भी रास्ते से जाओ तो इस केस में अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन टू स्टेप, ओके किसी भी रास्ते से नहीं, उसने कहा इसी रास्ते से जाओ टू स्टेज में, इसमें हीट सप्लाइड बताओ कितनी है, तो मतलब ए से लेके सी, सी से लेके बी पे जाना है, राइट? फर्स्ट लॉ लगेगा, समझ में आता है? फर्स्ट लॉ के अंदर ये इक्वेशन गिवन है, क्यूब रूट लेंगे, ये इक्वेशन आएगी, गामा की वैल्यू सीधी पता लग रही है 5/3 है, और गामा की पहचान है कि मोनोटॉमिक गैस है। इजी हो गया क्वेश्चन। दूसरा ए से लेके सी तक प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या लगेगा? हीट का फॉर्मूला एन सी पी डी टी, और जो वॉल्यूम कांस्टेंट है एन सी वी डी टी, प्रेशर कांस्टेंट है एन सी पी डी टी, एन की वैल्यू एन सी पी का मतलब 5/2 आर मोनोटॉमिक गैस है इनटू डेल्टा टी, तो एक ये इक्वेशन आ जाती है। इसके अंदर अगर वैल्यूज को पुट करें तो पी फॉर प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू इसके अंदर क्या गिवन है 10^5 कितनी है 5, वो शुरू में गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर ऊपर वैल्यू से रीड करेंगे तो 10^5, और वॉल्यूम देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो इस केस में सॉरी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइनल और इनिशियल आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक 8 गिवन है फाइनल, और इनिशियल कितना गिवन है 1 गिवन है, 8 × 10^-3, 1 × 10^-3, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी आ गया, राइट? कांस्टेंट प्रेशर रख के जो इनिशियल प्रेशर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, आपके पास एक आंसर आएगा। अब आपको प्रोसेस क्या लेना है, सी बी, और अगर आप सी बी की बात करते हो तो सी बी प्रोसेस क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या लगेगा एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी, सी वी पता है, डेल्टा टी के केस में क्या पुट करेंगे इसमें, वो आर डी टी इज वी डी पी, वो आपको याद है क्लास में मेंस में क्वेश्चन भी किया था, पूरी शीट थी जिसमें मैं बोलता था कि अगर पी वी इक्वल टू आर टी लिखो, उसको डिफ्रेंशिएट करो, चेंज निकालो, पर क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इसमें प्रेशर तो चेंज हो रहा है पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो आर इंटू डेल्टा टी की जगह क्या पुट करेंगे, डेल्टा वी इंटू पी, नहीं वी इंटू डेल्टा पी, क्या करते थे क्लास में हम ऐसा, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है तो डेल्टा पी, वॉल्यूम नहीं हो रहा तो वी, प्रेशर का चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल, अब क्योंकि ग्राफ नीचे गिर रहा है प्रेशर कम हो रहा है तो फाइनल प्रेशर कम है इनिशियल प्रेशर ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, नेगेटिव, डेल्टा पी नेगेटिव हो रहा है ना, नीचे जा रहा है ग्राफ, तो फिर आपको तो टोटल हीट ही निकालनी है, कितनी है टोटल हीट में से ऐड कर दो आंसर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है? आता नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
ह्यूमन बॉडी हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ब्लैक बॉडी के ह्यूमन बॉडी दे, क्या फ़र्क पड़ता है, उसका एरिया गिवन है। नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है एक आम इंसान का वो 10 केल्विन अबव है जितना उसका रूम का टेम्परेचर है। रूम का टेम्परेचर कितना है, T0 है। तो नॉर्मल इंसान अगर टेम्परेचर मेंटेन करना चाहता है तो वो हीट लेगा सराउंडिंग से और कुछ रिलीज भी करता रहेगा ताकि, और वो कॉन्स्टेंट रेट से करता रहेगा ताकि उसका टेम्परेचर क्या रहे, सेम प्रीवियस थ्योरी जो हमने की थी। तो अब इसमें टेम्परेचर सराउंडिंग का पता है और सिग्मा इंटू T0 4 की वैल्यू उसने दे ही दी ताकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े इस केस में। तो बताओ वो कह रहे हैं कि इस केस में क्या इसमें जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। रिड्यूसिंग द एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी अलाउज ह्यूमन टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर वाइल रिड्यूसिंग द एनर्जी लॉस बाय द रेडिएशन एरिया। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी कुछ ऐसे ऐसे बोलता था, जिसका एरिया बड़ा होगा उसका रेट ऑफ लॉस भी ज़्यादा होगा। तो कुछ लगता है वहाँ से भी आंसर आएगा। तो और बाकी इसमें टेम्परेचर राइजेज सिग्निफिकेंटली देन द पीक इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी शिफ्ट टू अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ सोचो किससे, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉस से कुछ सोचो। और अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज क्लोजर टू इतने जूल्स, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रेडिएट करेगी वो बॉडी, तो स्टीफन लॉ से आप ये निकाल के दिखाओ। और लास्ट है सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूसेस टू अ स्मॉल अमाउंट, अगर थोड़ा सा गिर जाता है देन टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर फॉर अ लिविंग ह्यूमन बींग नीड टू रेडिएट इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी टेस्ट करवाना चाहता है, उसने एक ही क्वेश्चन में सारे लॉस खोल दिए, ठीक है यहाँ तक। तो सबसे पहली चीज़ फर्स्ट ऑप्शन का तो लग ही रहा है कि आंसर होना चाहिए, ना भी मैथमेटिकल करें तो भी होना ही चाहिए, कर भी लें तो प्रीवियस थ्योरी मैंने बताई दी थी कि अमाउंट ऑफ हीट जो नेट कोई बॉडी रेडिएट करेगी बॉडी से टी टेम्परेचर पे, एब्जॉर्ब करेगी सराउंडिंग से इतने टेम्परेचर पे, और दोनों को क्या करेंगे हम, माइनस करेक्शन कर लेना, ई आएगा एमिसिविटी, ई फॉर यहाँ पर एमिसिविटी है, यहाँ लगाया यहाँ नहीं लगाया, कभी तो कॉमन आएगा ना इसमें सॉल्यूशन के अंदर, करेक्शन कर लेना, ठीक है ना यहाँ तक। तो इस एक तो साफ पता लगता ही है कि कैपिटल ए बड़ा होगा तो रेट ऑफ जो लॉस ऑफ हीट है वो भी, अगर ए कम होगा तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं थी, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ने वैसे ही बता रखा है एरिया बड़ा होगा तो रेट ऑफ लॉस वैसे ही ज़्यादा होगा, तो मुझे लगता है कि ये फ़ायदा नहीं है इसको करके। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाने को कह रहा है, ये हमने डिसाइड कर लिया है। तो अगर वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ याद करें, शॉर्टर लॉन्गर वेवलेंथ, तो ये समझ में आता है कि हायर इज द टेम्परेचर शॉर्टर इज द वेवलेंथ जिस पे पीक वैल्यू कैन बी अचीव्ड, कुछ समझ में आता है ऐसा कुछ होगा। तब वो कह रहा है कि इस केस में अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, ऑब्वियसली यार लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट ना, अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी आपकी पीक वैल्यू, ऐसे होगा ना, तो शिफ्ट टू अ स्मॉलर वेवलेंथ, तो ऑप्शन मार्क करना है इसमें भी, इसको भी मैथमेटिकली करना क्या है, तो वैसे ही मन से आप तो सोल्यूशन लंबा किया हुआ है, तरफ जरूरत क्या है करने की, ये भी समझ में आता है, बातों से पता लग रहा है टेम्परेचर हाई होगा तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट में करना पड़ेगा थोड़ा सा कि आपको वो चेक करना चाहता है कि अगर इसके अंदर एनर्जी का लॉस कितना है, DQ/DT रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना चाहता है, और रेट ऑफ लॉस निकालने के लिए आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का अगर प्रूफ आता है आप तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ये वही प्रूफ है जो मैंने आपको लिख के दिया था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, ये देखो T0^3 में फंस जाते थे हम, तो कुछ ऐसा आंसर आता था। तो इसमें कुछ नहीं किया, इसने बेसिकली डेल्टा टी क्या पुट करेंगे 10 केल्विन, क्योंकि बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 10 केल्विन, तो डेल्टा टी इसमें गिवन है मुझे, ठीक, तो डेल्टा टी गिवन है, एंड में डेल्टा टी पुट करेंगे, T0 की वैल्यू सराउंडिंग का टेम्परेचर मुझे मालूम है, एरिया मालूम है, सब कुछ मालूम है, तो यहाँ से मुझे DQ/DT निकालना है, जो कि ऑप्शन मार्क करके आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन ये वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ आता है। और लास्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ है, मैं लिख के लाया हूँ अपने असाइनमेंट में से ही, जो मैंने लिख के दिया था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास ना ये आता था कुछ ऐसा टर्म बीच में, वो हर जगह एरिया जरूर चल रहा था, एरिया आखिरी ऑप्शन में एरिया मिसिंग है, फॉर्मूला तो मेरे को भी याद नहीं था, मेरे को शीट देखनी पड़ी थी, वैसे मेरे को याद नहीं है, मैं अपनी शीट खुद देख के लिख रहा था, एरिया मिसिंग है, मतलब जिसने प्रूफ किया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का वही कर पाएगा, नहीं तो नहीं होता, बात खत्म, ठीक है यहाँ तक, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 120 लीटर, पानी का कूलर है ये, इसकी कैपेसिटी 120 लीटर की है, कैन कूल वाटर एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ पी वॉट्स, ठंडा करेगा पानी ये, इन अ क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम द वाटर फ्रॉम द कूलर इज यूज टू कूल एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट जनरेट्स कॉन्स्टेंटली 3 kW ऑफ हीट थर्मल लोड, कोई गर्म डिवाइस है उसमें ना ये जो ठंडा पानी है पास करके वापस इस तरीके से ले आते हैं, वो ठंडा पानी जाता है गर्म आ जाता है, और ये पानी में फर्क पड़ेगा, गर्म हो जाएगा अभी पानी, पर पीछे से फ्रिज चला हुआ है तो कहीं ना कहीं इसने अपना टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है, तो बिजली लग रही है, फ्री में कुछ नहीं होता, तो बिजली लग रही है कूलर की जिससे कि ये ठंडा करके रखेगा इसे। आगे, सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर फेड इन टू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30 degrees Celsius एंड द एंटायर स्टोर्ड 120 लीटर ऑफ वाटर इज इनिशियली कूल टू 10 degrees Celsius, तो 10 का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, कितना भी गर्म हो जाएगा ये 30 से ऊपर पानी वापस नहीं आएगा, ये बात तो पक्की है, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 ही राइज हो सकता है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, बाहर तो हीट जाएगी नहीं सराउंडिंग में, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड फॉर 3 hours, 3 घंटे के लिए डिवाइस को चलाना है, कम से कम पी की वैल्यू क्या हो? ठीक है, यहां तक देखो, जो सबसे पहली चीज है इसमें जो जो प्रॉब्लम है वो टाइम रिलेटेड है ना, ये काम धीरे धीरे होगा, ये एकदम तो पानी ठंडा होगा नहीं, तो इंटीग्रेशन तो बीच में आएगी ही आएगी, तो बात पक्की है, टाइम की इंटीग्रेशन चलेगी, टाइम की इंटीग्रेशन जो चलने वाली है वो 0 से 3 घंटे चलेगी, टाइम की लिमिट 0 से 3 है। अब आगे, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे लूज हो रहा है और वाटर है, और पावर कितनी, जो पावर की वैल्यू है इसमें वो पी है मान लो, अब मेरे को ये समझ में आता है कि 3 kW हीट कौन जनरेट करता है, ये करता है डिवाइस, ये तो गर्म कर देता है 3 kW के हिसाब से चीज़ को, ठीक, और हमने भी ऑन करना है ऑब्वियसली। अब होगा क्या कि मान लो 1 मिनट के लिए रेट ऑफ हीट जनरेटेड इक्वल dQ/dt 3 kW है, ये तो समझ में आता है कि रेट ऑफ हीट जनरेशन है, क्योंकि जो डिवाइस है ना वो गर्म कर रहा है और 3 kW के हिसाब से गर्म कर रहा है, इसका मतलब कि उसका रेट ऑफ हीट जनरेशन तो गिवन ही है मुझे। मुझे क्या करना है, मुझे इसकी हीट, मुझे चीज़ को ठंडा करना है, और अगर मुझे चीज़ को ठंडा करना है तो मान लो dT स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, और कब, एट एनी टाइम स्मॉल टी, टेम्परेचर कूलर का अगर टी है तो रेट ऑफ कूलिंग अगर हम लगाएं, MC delta T का फॉर्मूला लग रहा है, और डिवाइड बाय टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राइट साइड पावर में चल रही है, तो इस केस में रेट ऑफ जो dQ/dt की वैल्यू आएगी, पहले कितनी थी, 3 थी, पर अब मैं चाहता हूँ 3 ना हो, क्योंकि 3 अगर हो गई फिर तो पता ही है पानी गर्म ही होता जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। मेरे को क्या करना है, the entire system the minimum value of P for which this device can be operated for 3 hours, क्योंकि otherwise पानी क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, तो जो मेरी पावर है वो 3 kW को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर मैंने सपोर्ट किया प्लस किया, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसे गर्म कर रहा हूँ, मैं भी गर्म कर रहा हूँ और हीटर भी गर्म कर रहा है, उल्टा मेरे को तो उसकी हीट जनरेशन को क्या करना है, कम करना है, राइट तो ये पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, कि अगर मान लो मेरा कूलर 2 kW जो है के हिसाब से काम करता है, तो 3 kW वाले की हीट को वो प्लस नहीं करता, 3 और 2 5 नहीं करता, 3 और 2 माइनस करता, उसके हिसाब से टेम्परेचर जनरेशन होता है। तो इस केस में जितनी भी हीट जनरेशन हो रही है और माइनस क्या कर देना है पी, ये मेरा नेट dQ/dt आना चाहिए, तो नेट dQ/dt यहां से टेम्परेचर डिफरेंस आ गया dT कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है और किसी गिवन मास का और कितने टाइम के साथ हो रहा है। तो यहां से 0 से 3 लिमिट लगाते हुए टेम्परेचर 10 डिग्री पे था और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है 30, इससे ऊपर जा नहीं सकता, तो यहां पर जब मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरे पास पावर की कुछ वैल्यू आएगी, ये पावर कम से कम चाहिए ताकि 3 घंटे में टेम्परेचर 10 से सिर्फ 30 ही हो पाए, दैट्स इट। कभी कभी उल्टा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है, एक एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, एक हीटर है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में यहाँ पर हीटर लगा हुआ है, अंदर हीटर, इधर से आप हीट पास करते हो, अंदर हीटर लगा हुआ है, इधर से आप हीट बाहर निकाल रहे हो, तो जो आप हीट पास कर रहे हो वो 2 kW/h के रेट से पास कर रहे हो, हीटर 3 kW/h जनरेट कर रहा है,
मिलके कितना हुआ, पांच, वो पांच की पांच हीट आगे जा रही है। डिपेंड करेगा चीज को ठंडा करना है तो माइनस कर देंगे, गर्म करना है प्लस कर देंगे, ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडल गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन विच इट्स वॉल्यूम बिकम्स 8 times इट्स इनिशियल वैल्यू। वॉल्यूम 8 गुना ज्यादा हो जाता है। इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज गिवन एंड यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज गिवन, डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वॉट। जब बात इंटरनल एनर्जी की हो तो सीपी यूज नहीं किया जा सकता, सीवी यूज करेंगे, समझ में आती है बात। तो एन सीवी डी टी लगेगा। अब प्रॉब्लम यह है, एन सीवी डी टी के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, टेम्परेचर का चेंज। टेम्परेचर के चेंज में मेरे को क्या गिवन है, मेरे को इनिशियल टेम्परेचर तो गिवन है पर मेरे को फाइनल टेम्परेचर नहीं गिवन। प्रोसेस की नेचर क्या है, एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक। और ये कौन सी गैस है, मोनोटॉमिक है। तो टीवी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, T1V1 raised to power gamma minus 1 is T2V2 raised to power gamma minus 1। तो इसमें टेम्परेचर पहले T है, फाइनल निकालना है, और वॉल्यूम V से 8V हो चुका है, गामा की वैल्यू पुट कर लेना 5/3 मोनोटॉमिक गैस के लिए, तो फाइनल टेम्परेचर आ गया। अब मुझे क्या करना है, NCVDT यूज करना है। दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये है, आप ऐसे मत करें, आप ऐसा कर लें, सीवी की वैल्यू अगर आपको मोनोटॉमिक की याद है, मोनोटॉमिक का सीवी पुट कर दे, खत्म कहानी। ठीक, मोनोटॉमिक का सीवी पुट कर दिया यहाँ पे, और डेल्टा टी की जगह फाइनल और इनिशियल का टेम्परेचर माइनस करते हैं। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि आपको इसमें एन नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पता है, पता है वन मोल पता है, फिर तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पहली लाइन ही गिवन है, ठीक है, मेरे को देखा नहीं, ठीक है, फिर करने की जरूरत क्या है। ठीक, हो गया, वैल्यू पुट करके आंसर आ गया, ठीक, डन। आगे क्या करना, वैसे बता देता हूँ क्या किया, एन सी वी डेल्टा टी की जगह उसने एन एफ आर टी यूज कर दिया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में एन सी वी डी टी यूज करें, NFRT यूज करें, बात तो एक ही है। तो उसने NFRT यूज कर दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम F उसे पता था, और चेंज इन टेम्परेचर में फाइनल कम हो गया T/4, और इनिशियल क्या था T, तो चेंज इन टेम्परेचर माइनस में आएगा। पुट कर लो, जरूरत नहीं, मेरे को लगता है ऐसे ही ठीक है, NCV डेल्टा T में वैल्यू पुट करो, आंसर डन, क्लोज, सिंपल ही है, तो ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके अंदर क्या गिवन है कि टू कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन टू हीट बाथ केप्ट एट टेम्परेचर T1 एंड T2 गिवन एज शोन इन द फिगर. द रेडियस ऑफ द बिगर सिलेंडर इज ट्वाइस एज दैट ऑफ स्मॉलर वन एंड थर्मल कंडक्टिविटी तो ऑफ द स्मॉलर एंड लार्जर सिलेंडर्स आर K1 एंड K2 गिवन है. दो सिलेंडर्स हैं, टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन्ड है. इफ द टेम्परेचर एट द जंक्शन एट द टू सिलेंडर इन स्टेडी स्टेट इज 200 तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पर टेम्परेचर जंक्शन के ऊपर गिवन है कितना 200. तो आपको इसमें क्या निकालना है, और ये भी टेम्परेचर गिवन है, लिख लेना है 300 और ये 100. टेम्परेचर पता लग ही गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया. ये 300, ये 100, ये 200, 300, 200, 100. और आपको क्या निकालना है इसमें, के की रेशियो निकालनी है. मुझे मालूम है कि इस केस में हीट फ्लोइंग पर सेकेंड विल रिमेन सेम. सीरीज है ना, तो सीरीज में हीट फ्लोइंग करंट क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस. टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, यहाँ से साफ पता लग रहा है रेजिस्टेंस R1 R2 के इक्वल है. और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, आंसर एक रेशियो के. ये तो आसान क्वेश्चन आया. ठीक, नेक्स्ट. वन मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन. लेकिन ये याद रहे पीवी डायग्राम नहीं है, ये टीवी डायग्राम है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट. तो इसके अंदर पहला प्रोसेस है, प्रोसेस वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस. तो कैसे ही बोल रहा है, आइसोकोरिक है, किसी भी एंगल से नहीं यार, वॉल्यूम चेंज हो रहा है वन. तो चलो एक तो ऑप्शन सही बना हमारा. ठीक है, नेक्स्ट है इन प्रोसेस टू सीधा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, गैस एब्जॉर्ब्स हीट. क्या ये सही है, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा यू जीरो है. सही है, डेल्टा यू जीरो है तो वर्क डन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव होगा तो इस तो डेल्टा क्यू मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव हो रहा है ना इसमें, यहाँ से यहाँ आते आते डेल्टा वी पॉजिटिव, तो वर्क डन भी ऑब्वियसली पॉजिटिव है. वर्क डन पॉजिटिव है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो लगाओ, डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू. डी यू तो है ही नहीं, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू. डी डब्ल्यू बढ़ रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डी क्यू भी बढ़ रहा है. डी क्यू बढ़ रहा है इसका मतलब हीट तो यहाँ से जा ही रही है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है. सही बैठता है. नेक्स्ट है थर्ड इन प्रोसेस फोर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है फिर से, गैस रिलीजेज हीट. सही है, इसका उल्टा है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पर तो ये हीट बाहर निकालेगा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पर. बात तो एक ही है, वॉल्यूम कम हो रहा है इसमें. सही यहाँ तक वहीं से पता लग रहा है, ऊपर नीचे से लिंक देंगे क्वेश्चन. और लास्ट है प्रोसेस वन एंड थ्री आर नॉट आइसोबारिक. वन और थ्री आइसोबारिक नहीं है, वो कह रहे सही कह रहे सही कह रहे हैं. क्यों, किसी प्रोसेस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी. अब आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट है,
प्रेशर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो वी शुड बी प्रोपोर्शनल टू टी, तो ग्राफ को हर हालत में स्ट्रेट लाइन ही होना था, जो कि नहीं है, आइसोबारिक नहीं है, ठीक। तो एक बार ये क्वेश्चंस प्लीज़ खुद करना, तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी प्लीज़ अपने क्वेश्चंस ये वाले खुद करें, मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ।